हेलो फ्रेंड्स, मैं सरोज माहेश्वरी क्रिएटिव क्राफ्ट एंड क्रिएशन में आपका स्वागत करती हूँ। और आज हम फिर से बनाने जा रहे हैं कुछ यूजलेस मटेरियल से यूजफुल आइटम। ये एक रोल है, मैं इसे रोल बोलती हूँ, कई लोग इसे कोन बोलते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि ये एक रोल है। और इस पर काफ़ी सारी, आपने देखा होगा, इस पर कुछ कुछ पेपर्स वगैरह होते हैं या मटेरियल कुछ भी, जैसे कि क्लॉथ वगैरह, तो वो इस पर कवर किया हुआ आता है। तो ये उसका ही बचा हुआ रोल है और ये साइज़ भी काफ़ी बड़ा है, लगभग 12 इंच का है। तो मैं इसका एक फ्लावर पॉट बनाने जा रही हूँ। और फ्लावर पॉट बना रहे हम वेस्ट मटेरियल से, तो ये तो है ही वेस्ट। और साथ में, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि हम लोग मैरिज पैकिंग का काम भी करते हैं, तो हमने अभी हाल ही में एक मैरिज पैकिंग की थी जिसका वेस्ट मटेरियल मेरे पास बचा हुआ है। तो जिसमें आप ये देखेंगे कि ये जो लीव्स हैं, फ्लावर्स हैं, और ये गोटे के फ्लावर्स हैं, ये कपड़े के फ्लावर्स हैं, और साथ ही ये आप देखेंगे प्लास्टिक रिबन है। तो ये मेरे पास वेस्ट मटेरियल था, तो मैंने सोचा क्यों ना हम इसे वेस्ट रोल को डेकोरेट करें। तो सबसे पहले हम इस पर कलर करेंगे। तो कलर करने के लिए मैंने ये ब्लैक कलर लिया है और ये फैब्रिक कलर है, और हम इन सभी चीज़ों को स्टिक करेंगे, जिसके लिए मैंने लिया है फैब्रिक ग्लू। आप चाहें तो फैब्रिक ग्लू की जगह फेविकॉल भी ले सकते हैं या ग्लू गन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और हमें पेंट करने के लिए चाहिएंगे ब्रश, तो मैंने यह 2 नंबर और 5 नंबर का फ्लैट ब्रश लिया है और थोड़ा सा पानी। तो आइए बनाना शुरू करते हैं फ्लावर पॉट। तो आप देखेंगे कि मैंने जैसा कि बताया कि एक हमारे पास रोल है और हम इसी से फ्लावर पॉट बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं इसे पेंट कर लूँगी, तो हम इसे अंदर से पेंट करेंगे, जितना अंदर तक ये पेंट हो जाए। तो हल्का सा हम ब्रश में पानी लगाएंगे। तो सबसे पहले हम इसे इस तरह से हल्का सा ब्रश में पानी लगाएंगे और साथ ही कलर भी, और इस तरह से हम इसे कलर करेंगे। तो पहले मैं अंदर की तरफ कलर कर लूँगी। आप देख सकते हैं मैंने रोल को अंदर की तरफ से पेंट कर लिया है और डबल कोटिंग की है। और आप ये भी देख रहे होंगे कि ये दोनों तरफ से ओपन है, तो मैंने अभी इसे यहाँ से ओपन इसलिए रखा क्योंकि एकदम इतने अंदर जाके ब्रश से कलर हो नहीं पा रहा था। तो मैंने आधा इस तरह से कलर किया और आधा यहाँ से, और हम यहाँ पर डबल कोटिंग कर चुके हैं। तो अब हम ये जो ऊपर का पोर्शन है यहाँ पर कलर करेंगे। और साथ ही बताना चाहूँगी कि ये भी मेरे पास वेस्ट कार्डबोर्ड है या ये जो कार्टून वगैरह होते हैं उसका ही बचा हुआ पार्ट है। तो इसको मैं इस तरह से फेविकॉल लगा करके और ये जो राउंड शेप है इसे काट करके चिपका दूँगी और साथ ही इसे पेंट भी कर दूँगी। तो अब हम हल्का सा ब्रश में पानी लगाएंगे क्योंकि हमें पानी हल्का सा ही लगाना है। ये पेपर का बना हुआ है, अगर ज़्यादा पानी लगाते हैं तो इसके जो पार्ट हैं आप देख रहे हैं वो खुल जाएंगे, इसलिए हमें थोड़ा सा पानी लगाकर ही कलर करना है। और यहाँ भी हम डबल कोटिंग करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैंने ये जो रोल है इस पर सभी तरफ कलर कर लिया और यहाँ पर मैंने छोड़ दिया है क्योंकि यहाँ हम, आप देख रहे हैं ये जो मैंने बताया आपको कि मेरे पास वेस्ट मटेरियल है, तो इस पर भी मैंने कलर कर लिया है और इसे हम इस तरह से स्टिक करेंगे, तो इसलिए इसे मैंने छोड़ दिया है। तब हम फैब्रिक ग्लू लगाकर और इसे स्टिक कर देंगे और बाद में जो बचा हुआ पोर्शन है उसे कट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने ये जो रोल था इस पर डबल कोटिंग कलर कर लिया है और साथ ही मैंने नीचे भी ये कार्डबोर्ड लगा दिया है। और मेरे पास काफ़ी सारे वेस्ट मटेरियल है, जैसा कि मैंने बताया था कि हमने ये साड़ी पैकिंग में लगाया था और अब हमें इनका कोई यूज़ नहीं है क्योंकि अब जब हम नई पैकिंग शुरू करेंगे तो हमें फिर से कुछ नया बनाना पड़ेगा। तो ये सभी वेस्टेज है, तो मैंने सोचा क्यों ना हम इसी से एक फ्लावर पॉट बनाएं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो अब हम पॉट बनाने के लिए क्या करेंगे, ये इस तरह से इसे रख लेंगे रोल को। और अभी मैंने कुछ सोचा नहीं कि हम क्या डिज़ाइन देंगे और क्या नहीं, तो बस अभी रखते जाएंगे, हम फ्लावर को अरेंज करते जाएंगे। तो हम इस तरह से फ्लावर के ऊपर फैब्रिक ग्लू लगा लेंगे और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप फैब्रिक ग्लू, ग्लू गन या फिर फेविकॉल से इन्हें अटैच कर सकते हैं। तो ये जो लीफ है वो पहले से ही फ्लावर में अटैच है, तो बस हम इस तरह से इस पर फैब्रिक ग्लू लगा करके और इसे थोड़ा सा पकड़ लेंगे और जैसे ये सूखता है हम इसे छोड़ देंगे। लेकिन अगर आप ग्लू गन से बनाते हैं तो इसे इतनी देर पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही ईजीली चिपक जाएगा। आप देखेंगे कि मेरे पास ये एक और वेस्ट फ्लावर है जिसमें कि ये जो प्लास्टिक रिबन है ये लगा हुआ है, तो बस मैं यहाँ पर फैब्रिक ग्लू लगाऊंगी और इस तरह से यहाँ पर अरेंज कर दूंगी। तो जो रिबन है उसे हम नीचे की तरफ रखेंगे। इसी तरह से आप देखेंगे कि मेरे पास एक और फ्लावर है और इसमें ये जो लीफ है अटैच है, ये ग्लू गन से लगाई हुई है, तो मैं इसे निकाल नहीं रही हूँ, बस फैब्रिक ग्लू लगाकर और यहाँ पर इसे इस तरह से अरेंज कर देंगे। तो जो फ्लावर था उसी के पास मैंने इस तरह से इस फ्लावर को भी अरेंज कर दिया है।
और साथ ही में मेरे पास ये ग्रीन प्लास्टिक रिबन है, तो इसको भी मैं यहाँ फ्लावर के साथ अटैच करूँगी। आप देखेंगे एक और प्लास्टिक रिबन है, तो इसे मैं यहाँ पर इस तरह से अरेंज करूँगी। इसी तरह मेरे पास ये प्लास्टिक रेड कलर की लीफ है, तो इसे मैं यहाँ पर अरेंज कर दूँगी। बस हमें जो भी मटेरियल है उठाते जाना है और इस पर इस तरह से फैब्रिक ग्लू लगाते जाना है और इन्हें स्टिक करते जाना है। तो यहाँ पर मैंने एक लीफ अरेंज कर दी है, तो आप देखेंगे हमने जो फ्लावर्स स्टिक किए थे वो अच्छी तरह से स्टिक हो गए हैं, साथ ही हमने कुछ लीफ भी स्टिक की थी। अब हम आगे का जो फ्लावर पॉट है उसे बनाना शुरू करेंगे। तो एक बार फिर आप देखेंगे कि मेरे पास ये फ्लावर्स हैं और ये वेस्टेज ही हैं, हमने साड़ी पैकिंग की थी उसी के बचे हुए हैं। तो ये दोनों जॉइंट हैं, तो मैं इनको इसी तरह से स्टिक कर दूँगी। तो स्टिक करने के लिए हम एक बार फिर से इनमें लगाएंगे फैब्रिक ग्लू। आप देखेंगे कि हमने जो साड़ी पैकिंग की थी वो ग्लू गन से की थी, तो यहाँ पर ये ग्लू गन है, ये थोड़ा सा चिपका हुआ है, तो इसको हम निकाल देंगे ताकि जब हम फैब्रिक ग्लू से इसे स्टिक करें तो अच्छी तरह से स्टिक हो जाए। तो हमने लगा लिया है फैब्रिक ग्लू और इस तरह से हम एक बार फिर से फ्लावर को अरेंज करेंगे। और आप देखेंगे यहाँ पर दो गोल्डन फ्लावर लगे हैं और यहाँ एक रेड और यहाँ पर एक गोल्डन, तो मैं यहाँ भी एक गोल्डन फ्लावर अरेंज करूँगी। और आप ये जो गोल्डन फ्लावर देख रहे हैं इसमें जो लीफ है वो स्टिक है, तो हम इसी तरह से इसे स्टिक कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने एक फ्लावर को फिर से स्टिक कर दिया है और अरेंज करते हुए इन्हें स्टिक किया है, तो आप देखेंगे कि ये देखने में सुंदर लग रहा है। लेकिन अब देखेंगे आपके ये जो गोल्डन फ्लावर हैं ये बहुत पास पास लग रहे हैं, तो आप यहाँ देखेंगे एक रेड कलर की ये जो लीफ है तो इसे मैं यहाँ अरेंज करूँगी जिससे और अच्छा लगने लगेगा। तो ये जो ग्रीन लीफ है इसे स्टिक करने के लिए हमें फैब्रिक ग्लू लगाना होगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर दोनों गोल्डन फ्लावर हैं और यहाँ पे भी गोल्डन और बीच में रेड, तो ये बहुत पास पास लग रहे हैं। तो यहाँ पर मेरे पास एक रेड कलर की लीफ है, तो मैं इन दोनों के जो गोल्डन फ्लावर हैं इनके बीच में ये रेड कलर की लीफ को अरेंज करूँगी। तो गोल्डन कलर की लीफ को अरेंज करने के लिए मैंने इस पर लगा लिया फैब्रिक ग्लू और इस तरह से हम इसे अरेंज करेंगे और हल्का सा हम इसे प्रेस कर लेंगे जिससे ये स्टिक हो जाए। तो हम आप देखेंगे कि हमने जो फ्लावर को अरेंज करके स्टिक किया था वो स्टिक हो चुके हैं, साथ ही ये लीफ भी स्टिक हो गई है। तो एक बार फिर से हम यहाँ पर रेड कलर का ये जो फ्लावर देख रहे हैं इसे अरेंज करेंगे इस तरह से। और आप चाहें तो ये वाला फ्लावर भी अरेंज कर सकते हैं, पर मुझे यहाँ पर इसकी जगह ये ज़्यादा अरेंज करने में अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं यहाँ पर ये वाला फ्लावर अरेंज करूँगी। और जैसा कि मैं बता ही चुकी हूँ कि ये सब वेस्ट मटेरियल है जो हमने पॉट बनाने के लिए लिया था, तो हम इसे जब बनाएंगे तब अरेंज करके देखते जाएंगे कि ये कैसा लग रहा है, तो ही हम इन्हें अरेंज करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक बार फिर से फ्लावर में लगाऊँगी फैब्रिक ग्लू। फैब्रिक ग्लू या फेविकोल हमें थोड़ा सा ज़्यादा लगाना होता है जिससे कि अच्छे से स्टिक हो जाए। तो एक बार हम फिर से यहाँ पर फैब्रिक ग्लू लगाकर और फ्लावर को अरेंज कर रहे हैं। तो आप ये जो रेड कलर की लीफ और गोल्डन कलर की लीफ देख रहे हैं इन्हें भी हम अरेंज करते जाएंगे इस तरह से। तो यहाँ मैं रेड फ्लावर के साथ ये जो गोल्डन लीफ है इसे अरेंज करूँगी दोनों तरफ। तो आप देखेंगे कि हमने एक रेड फ्लावर यहाँ लगाया, फिर दो गोल्डन फ्लावर, फिर एक रेड फ्लावर, फिर दो गोल्डन, फिर एक रेड फ्लावर और फिर से हमने दो गोल्डन फ्लावर को अरेंज किया है। और साथ ही हम कंट्रास्ट में इनमें लीव्स लगाते गए हैं। तो अभी यहाँ पर थोड़ा सा पॉइंट बचा है, बाकी पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो अब यहाँ पर हम इस तरह से कुछ अरेंज करेंगे। तो ये जो बचा हुआ पोर्शन है यहाँ पर भी मैंने ये जो आप देख रहे हैं प्लास्टिक रिबिन है इस पर फैब्रिक ग्लू लगाकर इस तरह से इसे स्टिक कर दिया है। और आप देख पा रहे होंगे कि ये बहुत ही सुंदर फ्लावर पॉट बनकर तैयार हुआ। और आपने देखा कि हमने इसे बनाया वेस्ट मटेरियल से, जो कि हमारे लिए कोई यूज़फुल नहीं था, लेकिन हमने इसे यूज़फुल बनाया है और ये बहुत ही सुंदर फ्लावर पॉट बनकर तैयार हुआ है, आप देख सकते हैं। और आप पीछे से देखेंगे तो हमने इसे, आपने देखा होगा, एक रोल के ऊपर ब्लैक फैब्रिक कलर करने के बाद इस तरह से बनाया है। तो मेरे पास ये जो कपड़े के फ्लावर थे, अगर आपके पास इसी तरह कोई बुके वगैरह के फ्लावर्स हों जो से प्लास्टिक बुके के तरह से पॉट को अरेंज कर सकते हैं, तो बना है ना ये बहुत ही सुंदर वाला पॉट। तो देर किस बात की, वीडियो आपने देख ही ली है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इसे शेयर और लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। और आप भी इसी तरह से किसी वेस्ट पॉट वगैरह पर फ्लावर अरेंज करें।